महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी को भगवान नारायण के विभिन्न अवतारों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन व्यास जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम ऋषि पाराशर व माता का नाम सत्यवती था। जन्म के कुछ समय पश्चात ही इन्होंने अपने माता पिता से वन जाकर तप करने की इच्छा प्रकट की थी। उन्होंने अपनी माता को कहा, जब भी वह किसी विपत्ति में उनका स्मरण करेंगी तो वे तुरंत उपस्थित हो जाएंगे। इतना कहकर वे तपस्या के लिए द्वैपायन द्वीप चले गए। द्वैपायन द्वीप में तपस्या करने तथा श्याम वर्ण होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। वेद व्यास जी संस्कृत भाषा के प्रचंड विद्वान थे। उन्होंने अपनी बुद्धि व ज्ञान से चारों वेदों का विभाजन किया था और वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। चारों वेदों का संपूर्ण ज्ञान होने के कारण उन्हें गुरु की उपाधि प्राप्त हुई। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा व्यास जयंती के रूप में मनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जिन महापुरुषों को अमरत्व प्राप्त है उनमें से एक वेद व्यास जी भी हैं। वे आज भी अमर हैं तथा समय समय पर प्रकट होकर योग्य ऋषियों व ज्ञानियों को अपना दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। आदि शंकराचार्य को भी इन्होंने दर्शन देकर उनका उद्धार किया था। वेद व्यास जी ने 18 प्राणों की रचना की। ऐसा माना जाता है कि वेदों के विस्तार के लिए ही भगवान नारायण स्वयं व्यास जी के रूप में प्रकट हुए थे। वेदों का विस्तार महाभारत 18 महापुराण एवं ब्रह्म सूत्र की रचना व्यास जी ने ही की है। बद्री वन में निवास करने के कारण व्यास जी बद्री नारायण भी कहलाते हैं। महाभारत युद्ध काल में वेद व्यास जी ने विपत्ति के समय पांडवों की सदैव सहायता की। धृतराष्ट्र के अनुरोध पर व्यास जी ने ही संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिसके द्वारा संजय ने महाभारत के युद्ध को प्रत्यक्ष देखा ही नहीं अपितु उन्होंने श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का श्रवण भी किया। महर्षि वेद व्यास जी की ज्ञान शक्ति अलौकिक थी। महाभारत युद्ध के पश्चात वेद व्यास जी अपने पुत्र धृतराष्ट्र तथा गांधारी से मिलने गए तो उन्होंने धृतराष्ट्र को पुत्र शोक में व्याकुल देखा। धृतराष्ट्र ने वेद व्यास जी से अपने मृत स्वजनों एवं कुटुंबों को देखने की इच्छा प्रकट की, जिसके उपरांत वेद व्यास जी सभी को लेकर नदी तट पर गए और नदी में प्रवेश कर दिवंगत योद्धाओं का आह्वान किया। उनके आह्वान पर गंगा नदी में महाभारत युद्ध जैसे कोलाहल सुनाई देने लगी। देखते ही देखते समस्त कौरव द्रौपदी के पांचों पुत्र व अन्य योद्धाएं उपस्थित हुए। सभी दिवंगत योद्धा रात्रि में अपने पूर्व संबंधियों से मिले तथा सूर्योदय से पूर्व ही गंगा नदी में अंतर्ध्यान होकर दिव्यलोक चले गए। महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित 18 पुराण क्रम से हैं: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, 12 पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण, लिंग पुराण, भविष्य पुराण। महर्षि व्यास जी ने 18 पुराणों में दो ही मुख्य बातें कही हैं: परोपकार करना संसार का सबसे बड़ा पुण्य है और किसी को भी पीड़ा पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। ब्रह्मा, विष्णु व महेश इन पुराणों के मुख्य देव हैं। वेद व्यास जी ने इनके प्रत्येक स्वरूप को 6-6 पुराण समर्पित किए हैं। महर्षि वेद व्यास जी महान कवि, लेखक तथा तत्व ज्ञानी थे। 18 पुराणों की रचना कर जिस महात्म्य का वर्णन किया है वह हिंदू संस्कृति के लिए अमूल्य धरोहर है। महाभारत में वेदव्यास जी ने कृष्ण के स्वरूप का अत्यंत अलौकिक चित्रण किया है। कलयुग के प्रभाव से महाभारत में सत्य और असत्य के बीच जो द्वंद्व चला उसमें सत्य की विजय बताकर वेदव्यास जी ने इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि असत्य कितना ही विशाल क्यों ना हो वह सदैव पराजित ही होगा। जब जब धर्म की हानि होगी अथवा धर्म पर संकट आएगा, असुरी प्रवृत्तियों में वृद्धि होगी,
तब तब दिव्य महापुरुषों का अवतरण होगा। साधु व सज्जनों को अन्याय और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए, अशांत और मोह से ग्रस्त लोगों को शांति प्रदान करने के लिए भी वेद व्यास जैसे तत्व ज्ञानियों का जन्म होता ही रहेगा। वास्तव में वेद व्यास जी सच्चे अर्थों में जगत गुरु थे। पुराण शब्द का शाब्दिक अर्थ है पुराना, लेकिन प्राचीनतम होने के बाद भी पुराण और इनकी शिक्षाएं पुरानी नहीं हुई हैं, बल्कि आज के संदर्भ में इनका महत्व और बढ़ गया है। ये शाश्वत हैं, सत्य और धार्मिक हैं। मनुष्य जीवन इन्हीं पुराणों पर आधारित है। अतः हमें पुराणों में दी गई शिक्षा, जो कि परोपकार करना और किसी को पीड़ा न पहुंचाना, हमेशा पालन करते रहना चाहिए। इसी के साथ ही मैं अपनी कथा का विश्राम लेता हूँ।